तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो सबसे पहले ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं नाउ यहाँ पे जो वन स्ट्रैंड है ये फाइव डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन में है और जो सेकेंड स्ट्रैंड है ये थ्री डैश टू फाइव डैश डायरेक्शन में है नौ यहाँ पे जो थ्री डैश टू फाइव डैश डायरेक्शन में स्ट्रैंड है इसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड नौ ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का यहाँ पे जो स्टार्टिंग में यहाँ पे इसके एक स्टार्ट को डाउन होगा इसके साथ जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो यहाँ पे आर एन ए की सिंथेसिस होगी इस डायरेक्शन में तो जो जब भी आर एन ए की सिंथेसिस होती है ये फाइव डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन में होती है अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो कि थ्री डैश टू फाइव डैश डायरेक्शन में है दिस इज अ डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड और यहाँ पे ये आर एन ए की सिंथेसिस हो रही है इन दी फाइव डैश

जब भी ये जो कोडोन है इसको इनकाउंटर करेगा इंजाइम आर एन ए जो ट्रांसक्रिप्शन है ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगी सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कोडोन सो इस साइट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है Now, जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है और जो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट है इसके बीच वाला जो रीजन है इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन है इसे हम डिनोट है, है, करते हैं माइनस वन के साथ और यहाँ पे इसका स्टार्ट को डोन प्रेजेंट है उस जगह पे पॉजिटिव वन के साथ हम डिनोट करते हैं सो दिस इज दाउन स्ट्रीम एरिया जो कि पॉजिटिव वन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्टॉप को डोन पे खत्म हो रहा है सो दिस इज कॉल्ड द डाउनस्ट्रीम एरिया तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करता है जब भी आरएनए की सिंथेसिस होती है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स

जबकि जो पॉलिसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं दे आर मोर कॉमन इन प्रोकारोड्स फॉर एग्जाम्पल इकोलाई में लैक प्रेजेंट होता है इज द ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नाउ जो है इसमें तीन जीन्स प्रेजेंट होते हैं सो so, जो प्रोकारोड्स हैं इनमें जो ये कंडीशन है इट इज मोर कॉमन बट दिस कंडीशन इज लेस कॉमन इन यू कार्योड जो लोअर यू कार्य है इनमें यहाँ पे पॉलिसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है मोस्टली हायर यू करोट्स में नहीं होता उसके बाद जो फर्दर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज कॉल्ड दिस सिंपल मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नाउ इसमें क्या होता है कि एक सिंगल जीन प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं जीन ए और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है और यहाँ पे एक टर्मिनेशन कोडोन है विच इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट नाउ यहाँ पे ये जो जीन ए है ट्रांसक्राइब होता है इनटू सिंगल टाइप ऑफ एमआरएनए और ये जो सिंगल टाइप का एमआरएनए है एन आगे सिंगल टाइप के पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है सो so, इस तरह के मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम बोलते हैं सिंपल मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्स दोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नाउ इसमें क्या है कि यहाँ पे भी सिंगल जीन प्रेजेंट है यहाँ पे दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट

एक यहां पे है और एक यहां पे है तो इससे वन टू एंड थ्री ऐसे थ्री टाइप्स के एम बनेंगे उसके बाद ये जो थ्री टाइप्स के एम आर एन ये आगे थ्री टाइप्स के प्रोटीन की सिंथेसिस सिंथेसिस करेंगे means ये की synthesis करेंगे ये डिफरेंट की तो इस तरीके के जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नाउ दिस इज दॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो पॉलिसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसमें दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में और यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्टार्ट कोडोन है लाइक ए यू जी और जीन दोनों जीन्स के एंड पे एक स्टॉप कोडोन है लाइक यू ए ए अब यहाँ पे जो स्टार्ट कोडोन है इस साइड को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड और जिस साइड स्टॉप कोडोन होता है दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइड नाउ पे एक दोनों जीन्स के सेंटर में एक रीजन प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड द इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन ये जो रीजन है ये दोनों जीन्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रेजेंट है अब ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है तो यहाँ पे जो रीजन प्लस वन और प्लस एन के बीच में प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड इसमें दो जीन्स प्रेजेंट है, 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 है लेकिन नाउ यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं इनका जो अपस्ट्रीम एरिया है विच इज प्रेजेंट बिफोर पॉजिटिव वन इसे हम बोलते हैं फाइव डैश यूटीआर यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन ये रीजन ट्रांसलेट नहीं होता और जो लास्ट में स्टॉप कोडोन के रीजन में एरिया प्रेजेंट होता है थ्री होती है, तो जो 5 और 3 है इनकी भी ट्रांसक्रिप्शन होती है लेकिन ये आगे ट्रांसलेट नहीं होते इन टू दी प्रोटीन नव यहाँ पे जो एक जीन है विच इज कॉल्ड इससे पहले फाइव डैश यू टी आर प्रेजेंट होगा और यहाँ पे जीन एंड हो रहा है इस एरिया को हम बोलते हैं थ्री डैश सिमिलरली जो दूसरा जीन बी इसमें लेकिन यहाँ पे जो फाइव डैशीआर और थ्री डैशीआर है ये ट्रांसलेट नहीं सिमिलर विद रीजन विच इज कॉल्ड्रोसोनिक रीजन ये भी ट्रांसलेट नहीं होता तो यहाँ पे जो एम आर एन ए ए है और एम आर एन ए बी है ये डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे जो एम आर एन ए है इससे एक प्रोटीन बनेगा और जो एम आर एन ए बी है नाउ जो ये वाला है इसके साथ एक राइबोसोमल असेंबली बाइंड करेगी और प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी और जो दूसरा एम आर एन है इसके साथ दूसरी राइबोसोमल असेंबली बाइंड करेगी और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी नाउ अब हम डिस्कस करेंगे रीडिंग फ्रेम नाउ जो सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनसे थ्री रीडिंग फ्रेम्स बनते हैं सबसे पहले एक तो इस तरह से जो रीडिंग फ्रेम बनेगा फर्स्ट विद द ए जी ए ए और जो सेकेंड रीडिंग फ्रेम है ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड बेस से स्टार्ट होगा विच इंक्लूड दी ए ए सी जी ए और यहाँ पे जो थर्ड रीडिंग फ्रेम है ये थर्ड नाइट्रोजेनस बेस से स्टार्ट होगा इसमें आएंगे ए एंड सी एंड सी इस तरीके से जब भी कोडोन की फॉर्मेशन होती है तो तीन रीडिंग फ्रेम दिस इज सेकेंड रीडिंग फ्रेम एंड दिस इज थर्ड रीडिंग फ्रेम तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इससे तीन रीडिंग फ्रेम्स बनते हैं और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इससे टोटल सिक्स रीडिंग फ्रेम्स बनते हैं Now, अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट जीन फैमिलीज़ जीन फैमिलीज़ का मतलब है कि वो फैमिली जीन्स की जिसमें यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर जो है ये डिफरेंट जीन्स की फॉर्मेशन करता है विच आर ये आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के और यहाँ पे जो न्यू जीन की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम दी एंसेस्टर जीन ये दो तरीके से हो सकती है

और जब यहाँ पे रेप्लीकेशन होती है तो जो ए जीन है इसकी कॉपी बन जाती है दिस इज कॉल्ड द डुप्लीकेशन और एक बार यह, जब इसकी कॉपी बन गई डुप्लीकेशन हो गई तो उसके बाद यहाँ पे जो ए जीन है ये नॉर्मल रहेगा लेकिन जो नया जीन अभी यहाँ पे इनकॉपोरेट हुआ इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन तो ये चेंज हो जाएगा फ्रॉम द प्रीवियस जीन तो यहाँ पे न्यू जीन्स की फॉर्मेशन हो रही है

नाउ सबसे पहले जो अल्फा ग्लोबिन जीन सब फैमिली है इसके मेंबर्स हैं अल्फा जीटा एंड थीटा नाउ जो अल्फा ग्लोबिन जीन सब फैमिली है इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16 इन ह्यूमंस ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16 और सेकंड फैमिली है बीटा ग्लोबिन जीन सबफैमिली इसमें फोर मेंबर्स होते हैं फर्स्ट इज बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन

लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं ये ओवरलैपिंग होते हैं आर अबाउट मेंबर्स मेंबर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली लेकिन इसमें से जो कुछ हैं ये एज अ एंटीबॉडीज काम करते हैं और जो दूसरे टाइप के मेंबर्स हैं ये एज अ सेल एडिशन मॉलिक्यूल काम करते हैं नौ यहाँ पे जो एंटीबॉडीज हैं इनका फंक्शन डिफरेंट है ये फाइट करते हैं अगेंस्ट दिन पैथोजन और जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है ये सेल एडिशन में काम करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस सुपर फैमिली के इसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं बट दे हैव कॉमन और रिलेटेड दैट्स वाई जो सुपर जीन फैमिली है इसके जो मेंबर्स हैं ये रिलेटेड होते हैं लेकिन जो इसके फंक्शंस हैं ये डिफरेंट होते हैं सो दे डोंट हैव ओवरलैपिंग फंक्शन सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रीडिंग फ्रेम्स एंड टाइप्स ऑफ जीन फैमिलीज इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड से कंटेंट यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी on earth.